मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, कैसे हो आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? गोबा तो बहुत अच्छा है। और आज हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोबा के पापा जी सुबह सुबह चले गए हैं और हमारी निन्नू खुला ही नहीं। अब तो खुल गया बेटा, अब तो खुल गया। और आज हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे हम। हम सिर्फ निन्नु करेंगे। चलो फिर सो जाते हैं। आयुष को सो जाते हैं। कैट कुछ पता? आयुष कैट खा जाएगी कपाक। कैट खा जाएगी वाली। अब डॉगी बच्चा हूँ। तुम कैट में डॉगी। तुम कैट में डॉगी। बचाओ गबा को, कोई बचाओ। अबे तुम कैसे बोलते हो बचाओ मुझे? ये मम्मा क्या ला रहा है गबा के लिए? ये मैं खा जाऊं क्या? वाह, ये यम्मी यम्मी पपाया है। गबा ये कहाँ, गबा ये पपाया कहाँ से तोड़ के लाए तुम? कहाँ से? पेड़ से? हाँ। कौन से पेड़ से? है कैसे तोड़ा था बुबू ने, बताओ कैसे तोड़ा था? कहाँ जा रहे हो मम्मा के साथ आज तुम? है क्या, कहाँ जा रहे हो? जल्दी अच्छे से बोलो, नहीं तो फिर मम्मा नहीं पिलाएगी। जल्दी बताओ, ये बोलो। अले नहीं, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे हो? चलो फिर घर चले वापस। नहीं तो फिर बताओ कहाँ जा रहे हो? जैवी खाने। अच्छा तो गर्वित और मैं आज खाने जा रहे हैं जलेबी, मतलब मैं नहीं गर्वित खाने जा रहा है जलेबी। और आज मम्मा बेटा टाइम है, अगर भैया ने जलेबी नहीं दी तो हम वापस आ जाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे उसकी जगह? बोलो उसकी जगह क्या खाएंगे बेटा? समोसा खाएंगे। तो हमें तो गर्वित की जलेबी मिली नहीं, लड्डू मिल गए। अभी लड्डू मैं खा लेती हूँ, गर्वित तो खाएगा नहीं लड्डू, तो मैं खा लेती हूँ उस लड्डू को। ये गबा का ही है बेटा, मम्मा मजाक कर रहा था। वन लो बेटा, वन तो लो, ऐसे नहीं खाते हैं, वन ले लो। आके दिखाओ कैसा है, यम्मी। मैं और गर्वित दोनों घूम रहे हैं और सोसाइटी में सिर्फ दो या तीन ही बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ हैं, समझ नहीं आ रहा। तो दो बच्चे झूला पे झूल रहे हैं और गर्वित मेरे साथ घूमी कर रहा है और दो तीन गर्ल्स हैं बच्चे हैं, वो साइकिल पे हैं। तो कुछ पता ही नहीं बच्चे कहाँ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे लगे हुए हैं या फिर किसी और काम में, पर बाहर तो कोई दिखता ही नहीं। अब बेचारा गर्वित अकेला रह जाता है, उसको किसके साथ भेजूँ मैं खेलने के लिए? बेटा क्या, कहाँ है? चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है फ्लैगशिप चैलेंज को डे 4 और कल का रिव्यू से मैं कुछ ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत सॉफ्ट स्मूथ टाइप लग रहे हैं। तो अगर ऐसा रिजल्ट 7th डे को मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे लिए। और क्या पता अगर ये अच्छा रिजल्ट आया तो मैं पूरा मतलब डेली कंटिन्यू में इसे यूज़ करूँ। और चलिए आज का चैलेंज कम्प्लीट करते हैं, लगाते हैं जर।
तो मैंने जेल लगा लिया है, आप वेट करते हैं 45 मिनट्स तक। और मैं ना कंघी नहीं करती हूँ अपने बालों में, सिर्फ डायरेक्ट लगा लेती हूँ, बिकॉज मेरे बाल छोटे हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बाल बड़े होते हैं, तो पहले वो अपने बालों को कंघी कीजिए, देन उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, नहीं तो बाकी आपके बाल उलझ जाएंगे और फिर आपको दिक्कत होने वाली है। मेरे छोटे हैं इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। हेलो, तो मैंने कर लिया है हेयर वॉश, और हेयर वॉश के बाद मुझे अपने बाल काफ़ी सॉफ्ट और थिक फील हो रहे हैं। थिक इसलिए फील हो रहे हैं क्योंकि आज मैंने जो अपने बालों को वॉश किया है वो प्लेन वाटर से किया है, तो जिससे शायद कुछ जेल रह जाता है या कुछ भी, तो उसकी वजह से बाल ना थोड़े थिक फील होते हैं, जैसे आपको विग लगा के होते हैं ना, उस टाइप के फील हो रहे हैं। और बाकी आप शैम्पू से करते हैं उस दिन आपको थिक फील नहीं होते, बट अभी फर्स्ट डे से चेंजेस हैं 4th डे में, तो अभी 3 डेज और बाकी हैं, तो उसमें और वेट करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी ना मैं एक शॉर्ट्स बना रही थी जिसमें ना लिपस्टिक का यूज़ करना था, आप देखेंगे जब ये ब्लॉग आएगा शायद उसी दिन मैं डाल दूँ, तो गर्वित ने भी सेम कॉपी किया, अगर उसे अपना लिप्स दिखाओ। गर्वित ही बोलता मम्मा मेरे को भी करना, और गर्वित ने भी सेम वही किया। अगर मतलब रील्स में मैं पक्का डालने की कोशिश करूँगी, मैं नहीं। तो मुझे एक शॉर्ट्स बनाना था, और उसके लिए मैं इन लोगों को भी ना अपने साथ लेके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना घर पे ना कोई मिरर नहीं था, तो मुझे शीशा चाहिए था, शीशा कहाँ से मिलेगा, तो मुझे विशाल में मिलेगा, तो मैं सर विशाल आ गई हूँ। अच्छा, और ये पतलू, ये कितने इनके प्राइस नहीं है? यार ये देख, ये देख, इससे कम के भी है, ये पे नहीं है। अच्छा ये कौन है? ये पतलू, ये कौन है बताओ? ये उसका भाई। किसका? जॉन के साथ रहता ना वो, ये है ना जॉन का भाई है ये। हाँ। ये और ये कौन है? ये चिन्नू सर है। चिंगल हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ढिचके हूँ। तो मैं इस लाइन में खड़ी हूँ और ये इस लाइन में खड़े हुए, क्यों ये बताओ? तुम्हारा नंबर पहले आएगा, मेरा नंबर पहले आएगा? चलो देखते हैं किसका नंबर पहले आता है। और ये गर्वित, इन्होंने अपने काम की चीज़